ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा हम सभी को निरंतर उमंग उत्साह में देखना चाहता है, कुछ पाने की उमंग उत्साह, किसी लक्ष्य तक पहुंचने की उमंग उत्साह, लगन लगी हो। ऐसे में मनुष्य अनेक व्यर्थ की बातों से, अनेक विघ्नों से मुक्त हो जाता है। विघ्नों में और बातों में वही लोग उलझे हुए हैं जिन्हें कुछ पाने की लगन नहीं है। भगवान सब कुछ देने आया है। अगर अब भी हम बातों में व्यस्त रहे, अगर अब भी हमने उससे मन चाही शक्तियां और वरदान न पाए, तो भला क्या भक्ति में पाएंगे? जिसको हम दो युगों से ढूंढते थे, जिसके आने की हम राह तकते थे, जिससे न जाने मन ही मन और भक्ति में क्या क्या वायदे करते थे, जिसको देखने के लिए हमारे नैन प्यासे थे, उसको मिलकर जब वो हमें सब कुछ देने आया है, क्या हम अलबेले रह सकते हैं? तो अपने जीवन को एक बहुत सुंदर उमंग उत्साह से भरकर चलें, एक महान लक्ष्य बनाएं। और उसका भी सुंदर तरीका है कि तीन तीन मास के छोटे छोटे लक्ष्य बना लें। योग का चार्ट कितना रखना है, स्वमान में किस तरह से स्थित रहना है, किस गुण पर विशेष ध्यान देना है, इतना छोटा सा एक लक्ष्य। और जब हम ऐसा लक्ष्य बनाएंगे तो उसको सवेरे ही एक दो बार अपने कागज पर लिख दो, बिल्कुल विश्वास और दृढ़ता के साथ कि तीन मास में मुझे ये अचीव कर लेना है। तो ब्रेन की समस्त शक्तियां, अंतर्मन की समस्त शक्तियां हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में तत्पर हो जाएंगी, और जीवन में जो भी बाधाएं उस लक्ष्य को पाने के मार्ग में आएंगी, उनसे हम सहज ही पार होते जाएंगे। तो उमंग उत्साह से जीवन को भरना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, महावीर बनना है, क्योंकि जीवन एक लंबी और सुंदर यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, और हमारा तो फिर माया से युद्ध है, और फिर कलयुग का ही अंतिम समय है, जिसमें अनेक परिस्थितियां आकर हमारी स्थिति की परीक्षा भी लेती हैं। ऐसे में मनुष्य का घबरा जाना, उसका कमजोर होना भी कहीं कहीं संभव हो जाता है, परंतु हमें इसको असंभव कर देना है। हमारे साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया हमारे सिर पर है, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। माया चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा ले, चाहे भिन्न भिन्न तरह के स्वरूप बनकर हमारे सामने आए, लेकिन हमें तो माया को परास्त करना ही है। ऐसी लगन, ऐसी दृढ़ता हम अपने मन में रखेंगे, चाहे काम का स्वरूप हो, चाहे क्रोध का, चाहे संसार में लोभ की बहुत वृत्तियां बढ़ रही हों, चाहे अहंकार काम कर रहा हो, चाहे किसी का टकराव सामने आ रहा हो, चाहे कोई हमारे मार्ग को रोक रहा हो, लेकिन हमें तो निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना है, इस विश्वास के साथ कि हमें रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। और ये हमें जानना ही चाहिए, जो निरंतर आगे बढ़ता है उस वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि परमात्मा सहयोग उसके साथ होता है। ये बहुत सुंदर बात हमें ध्यान रखनी है, जो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में बाबा की बहुत मदद मिलती है। जिसे भगवान मदद कर रहा हो, जिसे भगवान आगे बढ़ा रहा हो, उसे भला मनुष्य क्या रोकेंगे। आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बाबा का आह्वान करेंगे कि हे ज्ञान सूर्य, हे सर्वशक्तिवान, हे खुदा दोस्त,
अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। और फिर विजुअलाइज करेंगे कि बाबा ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए और आ गए हमारे सिर के ऊपर। हम इस सुंदर दिव्य और शक्तिशाली छत्र छाया के नीचे हैं, सारा दिन इसका सुंदर अनुभव करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।